सनी देओल की बॉर्डर मूवी की 16 ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होंगी। नंबर 1, फिल्म बॉर्डर का जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा में चल रहा था, उस टाइम पर वहां पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से थिएटर में आग लग गई थी, जिसके कारण वहां पर 59 लोग मारे गए थे और लगभग 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे, और ये सब कुछ थिएटर मालिक की लापरवाही के कारण हुआ था। नंबर 2, फिल्म 1971 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर में बैटल ऑफ लोंगेवाला इंसिडेंट पर थी। इस बैटल में कुलदीप सिंह चंद्रपुरी, जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर थे और उस बैटल में अपनी लीडरशिप के लिए जाने गए थे, उनको बाद में इंडियन आर्मी की तरफ से महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, और कुलदीप सिंह चंद्रपुरी का ही कैरेक्टर सनी देओल बॉर्डर फिल्म में प्ले कर रहे थे। नंबर 3, फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता के भाई इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे और वो सन 1987 में हुए एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे, और ये फिल्म जेपी दत्ता ने अपने भाई को ही डेडिकेट की थी, और फिल्म बनाते टाइम एक डायरी को उन्होंने डिफरेंट बनाया था जिसमें उनके भाई की लाइफ के एक्सपीरियंस लिखे हुए थे। नंबर 4, फिल्म की शूटिंग लोकेशन बीकानेर के रेगिस्तान में की गई थी, जहां पर वास्तविकता में 1971 में हुआ बैटल ऑफ लोंगेवाला इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान इंडियन आर्मी के कुछ इंडियन ऑफिसर्स ने भी इसकी शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था, साथ ही इंडियन आर्मी के टैंक, आर्मी की जीप और गन्स भी यूज की गई थी। नंबर 5, फिल्म में पहले अक्षय खन्ना के रोल के लिए सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सैफ अली खान और अक्षय कुमार से भी बात की गई थी, लेकिन सलमान खान ये रोल नहीं करना चाहते थे और आमिर खान अपनी फिल्म इश्क की शूटिंग में व्यस्त थे और अजय देवगन ने बोला कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहते थे, और किन्हीं कारणों की वजह से सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद अक्षय खन्ना, जो कि उस टाइम में एक न्यू कमर थे, उन्हें फिल्म में साइन किया गया था, और अक्षय खन्ना ने फिल्म बॉर्डर के लगभग 2 महीने पहले ही अपनी डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और फिर बॉर्डर में उन्होंने धर्मवीर सिंह का यादगार कैरेक्टर प्ले किया। नंबर 6, इस फिल्म में पहली बार सनी देओल हमें सरदार के कैरेक्टर में स्क्रीन पर नजर आए थे, और फिल्म बॉर्डर उनकी जेपी दत्ता के साथ लास्ट फिल्म थी। बॉर्डर के पहले सनी देओल जेपी दत्ता के साथ 2 फिल्मों में और काम कर चुके थे, सन 1988 में आई फिल्म यतीम और सन 1993 में आई फिल्म छतरी में काम किया था। नंबर 7, इस फिल्म में पहले जैकी श्रॉफ के रोल के लिए संजय दत्त को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन संजय दत्त जेल और कोर्ट केस की वजह से इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। फिल्म में पहले अनिल कपूर को भी साइन किया गया था, और अनिल कपूर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे जेपी दत्ता के साथ काम करने के लिए, लेकिन उस टाइम में उनकी फिल्म विरासत की भी शूटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों फिल्मों की डेट क्रैश होने लगी, और उसके बाद में उन्होंने बॉर्डर फिल्म को छोड़ना ही सही समझा। नंबर 8, इस फिल्म से शर्वानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। शर्वानी मुखर्जी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और काजोल की कजिन है। उन्होंने फिल्म बॉर्डर में भैरव सिंह की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था, और वो अपने पूरे फिल्मी करियर में केवल बॉर्डर फिल्म के कैरेक्टर के लिए ही जानी जाती है, जबकि फिल्म बॉर्डर के बाद उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन कोई भी फिल्म उन्हें बॉलीवुड में पहचान नहीं दिला पाई थी। नंबर 9, फिल्म में अक्षय खन्ना धर्मवीर सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और पुनीत इसर सूबेदार रतन सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। फिल्म में दिखाया जाता है कि वॉर के दौरान ये दोनों शहीद हो गए थे, जबकि वीर बैटल ऑफ लोंगेवाला में ये दोनों शहीद नहीं हुए थे, और सूबेदार रतन सिंह की डेथ 92 साल की एज में सन 2016 में हुई थी। नंबर 10, फिल्म में पहले मानक सिंह को भी कास्ट किया गया था और उन्हें शूटिंग लोकेशन पर जोधपुर आने के लिए बोला गया था, लेकिन वहां का माहौल देख के मानक सिंह को जेपी दत्ता पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि फिल्म के मेन एक्टर्स को तो 5-स्टार होटल में रुकवाया गया है और फिल्म में काम कर रहे छोटे एक्टर और यूनिट के बाकी मेंबर्स को छोटे होटल में रुकवाया गया है। और जब इस बारे में मानक सिंह ने जेपी दत्ता से डायरेक्टली बात करनी चाही, तो जेपी दत्ता ने अपने असिस्टेंट को मानक सिंह से बात करने के लिए बोला, और इसके बाद तो मानक सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और उसी वक्त वो फिल्म की शूटिंग छोड़ के वहां से चले गए, और बाद में उनकी जगह असल में सुदेश बैरी को कास्ट किया गया था। नंबर 11, जेपी दत्ता सबसे पहले मथुरा दास के कैरेक्टर में भाभी जी घर पर हैं सीरियल वाले आसिफ शेख को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए थे।
बाद में कुलभूषण खरबंदा ने मानक सिंह का नाम जेपी दत्ता को सजेस्ट किया था, लेकिन शूटिंग के दौरान मानक सिंह और जेपी दत्ता के बीच में फाइट हो जाने की वजह से वो ये फिल्म छोड़कर चले गए और बाद में फिर मथुरा दास के कैरेक्टर में सुदेश बेरी को आखिरकार कास्ट किया गया। नंबर 12, फिल्म का एक गाना संदेशे आते हैं उस टाइम पर इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि हर घर में सोनू निगम का नाम लोग जानने लगे थे और उन्हें उस टाइम के काफी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अप्रोच करने लगे थे अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए। एक्चुअली ये वही समय था जब सोनू निगम जी टीवी पर आ रहे फेमस शो सारे गामा पा को होस्ट कर रहे थे। नंबर 13, फिल्म के लास्ट में होने वाले बैटल सीक्वेंस में जो ये एयरक्राफ्ट यूज किया गया था वो इंडियन आर्मी का रियल एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था हॉकर हंटर्स। ये उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स में अपने आखिरी समय में था और फिल्म की शूटिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट पर उसका लोगो भी दिखाई देता है। नंबर 14, इस फिल्म में पहले भैरव सिंह का कैरेक्टर सुनील शेट्टी को ऑफर हुआ था लेकिन पहली बार में सुनील शेट्टी ने इस कैरेक्टर को करने से मना कर दिया था। इसके बाद जेपी दत्ता ने संजीव कपूर और अरमान कोहली को भी इस फिल्म में कास्ट करने का मन बनाया लेकिन उस कास्टिंग में उन्हें कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। बाद में वो एक बार फिर से भैरव सिंह का कैरेक्टर लेकर सुनील शेट्टी के पास गए तो दूसरी बार सुनील शेट्टी ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हाँ बोल दिया। नंबर 15, फिल्म के लास्ट में हमें एक एंटी वॉर का मैसेज दिया जाता है जिसमें एंड में कुछ शहीद हुए सोल्जर्स की फोटो दिखाई जाती है और शहीद हुए जवानों की फैमिली को किस तरीके से नुकसान होता है वो हमें इसमें दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में हरिहरन के द्वारा गाया गया फेमस गाना मेरे दुश्मन मेरे भाई चलता है और पूरे गाने के दौरान वॉर में क्या क्या नुकसान होते हैं उनको इसमें दिखाया जाता है। नंबर 16, सन 2013 में जेपी दत्ता ने बॉर्डर के सीक्वल का अनाउंस किया था जिसका नाम वो बॉर्डर 2 रखने वाले हैं और इसमें संग्राम सिंह को कास्ट करने वाले हैं। संग्राम सिंह एक रेसलर हैं और इनको हम बिग बॉस 7 में भी देख चुके थे और उनके साथ साथ एक्ट्रेस नफीसा अली के बेटे अजीत सोनी को भी फिल्म में कास्ट करने वाले हैं। हालांकि सन 2013 के बाद उन्होंने बॉर्डर 2 के सीक्वल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वैसे दोस्तों आपको बॉर्डर फिल्म कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।